फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपमाला स्मॉल किचन। मेरे किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन की एक रेसिपी। इसके लिए मैंने गैस में ऑलरेडी कढ़ाई बैठा दिया है, तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। अच्छा लगे तो ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। मैंने तेल में एक चम्मच नमक दे दिया है और मैंने आलू को इस तरह करके क्यूब करके कट कर लिया है। तब मैं आलू को एक साथ तेल में डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। आलू को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ढक्कन लगा देंगे। अब ढक्कन खोल देंगे, पाउडर दे देंगे। अभी आलू को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू फ्राई हो गया है। अब हम आलू को निकाल लेंगे। आलू फ्राई हो गया है, अब मैं इसी तेल में थोड़ा सा शक्कर डालूंगी। एक प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी यहाँ पर डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर है 3 इलायची, 4 लौंग और यहाँ पर ब्लैक पेपर है 4-5। इलायची को मैंने बीच से फाड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर ये दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दूंगी। कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं यहाँ पर प्याज का पेस्ट करके रखा है, यहाँ पर दे दूंगी। प्याज को हम अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा भून गया है। अब मैं यहाँ पर एक टमाटर का पेस्ट डालूंगी। मैंने यहाँ पर एक टमाटर यूज किया है, इसको मैं अब दे दूंगी। टमाटर को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी हमारा भून गया है, टमाटर ने पानी छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और अदरक है 1 इंच और 2 लहसुन को एक साथ पेस्ट कर लिया है। इस मसाले को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले को हम जितना अच्छी तरह भुनेंगे उतना ही चिकन का टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने नमक, हल्दी, जीरा पाउडर कुछ भी यूज नहीं किया है। हम बीच बीच में अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि नीचे लग ना जाए। मैं यहाँ पर नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। हमें याद रखना है कि हम आलू फ्राई करते समय एक चम्मच नमक डाल, हमें नमक डालना है। अब मैं यहाँ पर एक चम्मच और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी ऐड कर दिया है। उन सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मसाला नीचे लग ना जाए। मसाले को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। थोड़ा सा मसाले को ढक देंगे और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। ढक्कन खोल देंगे। आप देख सकते हैं मसाले ने अच्छी तरह तेल छोड़ दिया है और इसका अच्छी स्मेल आना भी शुरू हो गया है। मैंने यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह क्लीन करके धो लिया है। अब मैं चिकन को यहाँ पर डाल दूंगी। मैंने लिया है 1/2 किलो चिकन। मसाले के साथ चिकन को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के हम पहले 5 मिनट हाई हीट में पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है चिकन डालने का। अब मैं ढक्कन खोल दूंगी। तो देखिए, चिकन में थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर जीरा और धनिया का पेस्ट डालूंगी। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच धनिया को यूज किया है, उसका पेस्ट मैं यहाँ पर डाल दूंगी। अब हम जीरे धनिया के पेस्ट के साथ चिकन को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसे फिर से ढक्कन लगा देंगे और अच्छी तरह पका लेंगे।
ढक्कन लगाने के 2-3 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। आप मीडियम टू लो पर रखिए, हाई फ्लेम पे नहीं रखिए, नहीं तो मसाला नीचे लग जाएगा। 2-3 मिनट हो गया है, अब मैं ढक्कन खोलूंगी, चेक करूंगी। देखिए कितना अच्छी तरह पक रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया है। 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है, कारण ये इसका मसाला पहले ही पका हुआ होता है। सिर्फ हमको चिकन को अच्छी तरह मसाला के साथ भून के रेडी करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी लाल मिर्च का पाउडर, कोई भी पाउडर यूज नहीं किया है, फिर भी चिकन का कलर कितना सुंदर आया है। मैंने यहाँ पर जो फ्राई किया हुआ आलू है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर गर्म पानी यूज करूंगी। मैंने यहाँ पर अपने अनुसार पानी लिया है, आपके हिसाब से आप पानी लीजिएगा, लेकिन गर्म पानी यूज, चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, चिकन भी एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन करी एकदम रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल पे निकाल लूंगी। इसी तरह आप चिकन करी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी नए नए वीडियो ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।